Here are three exciting missions by ISRO that you should know about. Number 3, Chandrayaan 3. Budget 600 crores. 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 के साथ मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोशिश सक्सेसफुल नहीं हुई। ये सॉफ्ट लैंडिंग इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि हम भी इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट सेफली दूसरे प्लैनेट या सैटेलाइट पर लैंड करा सकते हैं। आज तक सिर्फ 3 देशों ने यह प्रूव किया है। नंबर 2, आदित्य L1। बजट 378 करोड़। चांद के बाद भारत सूरज की ओर जाने वाला है, क्योंकि आज हम जो भी एनर्जी यूज करते हैं वो सोलर एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की हुई एनर्जी है। आवर सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सूरज की हीट और लाइट को स्टडी करके सोलर एनर्जी को और एफिशिएंटली यूज करने के तरीके हमें ढूंढने होंगे। नंबर 1, गगनयान 1। बजट 10,000 करोड़। ये हमारा पहला मैंड मिशन टू स्पेस होने वाला है, और वो भी पूरी तरह मेड इन इंडिया। इंडियन स्पेसक्राफ्ट, इंडियन लॉन्चर्स और इंडियन एस्ट्रोनॉट्स भी। ओवर हियर वी आर रिस्किंग द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, सो मार्जिन फॉर एरर इज जीरो। ये दुनिया को ये प्रूव करेगा कि हम भी ह्यूमंस को स्पेस तक पहुंचा सकते हैं। क्या आपको पता है कि इन तीनों मिशन में कॉमन क्या है? ये इंसान नंबी नारायणन, जिनके लाइफ पर रॉकेटरी ये फिल्म बनी है, उन्हीं का रिसर्च और विकास इंजन की वजह से हम आज स्पेस तक पहुंच पाए हैं। रॉकेटरी ओरिजिनल हिंदी वर्जन अब वूट सिलेक्ट पर अवेलेबल। आई वुड अर्ज ऑल इसरो फैंस टू गो एंड वॉच द फिल्म।